Hello, dear learners. Welcome to the teaching learning session. I'm Dr. Nidhi Arora Kumar. आज इस सेशन में हम बात करेंगे सैम्पलिंग डिजाइन की. सैम्पलिंग डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिसर्च में. अगर हमारा सैम्पलिंग डिजाइन प्रॉपर नहीं होता है तो हम रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं. वो हमारा सैंपल जो है बायस्ड हो सकता है, रिजल्ट्स बायस्ड हो सकते हैं. सैम्पलिंग डिजाइन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिसर्च में. सैम्पलिंग डिजाइन होता क्या है? सैम्पलिंग डिजाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन. हम किसी पॉपुलेशन में अपने सैंपल्स को किस तरह से इकट्ठा करेंगे, ये प्रोसेस सैंपलिंग डिजाइन होता है. राइट, सैंपलिंग डिजाइन जो है वो दो तरह का होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन की और किसी और वीडियो में हम फिर बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन की. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन जो है वो कंक्लूसिव रिसर्च में यूज होता है. और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन में हर एलिमेंट के, पॉपुलेशन के हर एलिमेंट के सिलेक्ट होने के चांसेस नोन होते हैं. राइट, नोन चांसेस होते हैं हर एलिमेंट के सिलेक्ट हो जाने के. इन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज नोन चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैंपल. नोन चांसेस का मतलब ये नहीं है कि इक्वल चांसेस होते हैं, इक्वल चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन नोन चांसेस होते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन में. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन फर्दर डिवाइडेड होती है दो में, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन. राइट, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन होती है पहली अनरिस्ट्रिक्टेड, और इसे हम बोलते हैं सिंपल रेंडम सैंपलिंग. और दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन. रिस्ट्रिक्टेड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन फर्दर डिवाइडेड होती है तीन तरह के में, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग. तो अभी तक हमने जो देखा वो है कि सैंपल डिजाइन जो है वो दो तरह के हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन. अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिजाइन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है दो तरह में, अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग डिजाइन एंड रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग. अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग को हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, और जो रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग है वो फर्दर डिवाइडेड होती है तीन तरह में, वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग. सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है, ये जो डिजाइन है सैंपलिंग का, वो लीस्ट बायस्ड है और सबसे ज्यादा जनरलाइजेबिलिटी देता है. मतलब इसके, इस अगर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो इसके बायसनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसके रिजल्ट्स को हम ज्यादा जनरलाइज कर सकते हैं. इन सैंपलिंग डिजाइन एवरी एलिमेंट इन पॉपुलेशन हैज नोन एंड इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सब्जेक्ट. हर किसी के सिलेक्ट होने के नोन चांसेस हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है तो नोन चांसेस तो हैं ही, बट इक्वल चांसेस भी हैं. राइट, जो ये सैंपलिंग प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और एट टाइम्स कंबर्सम हो जाता है. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2000 लोग काम कर रहे हैं और मुझे उनमें से 100 लोगों का सैंपल चाहिए, 100 एम्प्लॉयज का सैंपल चाहिए अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए. अब 2000 में से मुझे 100 सिलेक्ट करने हैं, तो 2000 का जो चांस है वो इक्वल चांस है और नोन चांस है. मैं किसी को भी, अगर मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर रही हूँ तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हूँ उन 2000 में से. राइट, मैंने 2000 स्लिप्स बनाई और उसे अपने एक हैट में डाल दिया. हैट में डालने के बाद मैंने पहली स्लिप निकाली तो उसका जो चांसेस था कितना हुआ, 1/2000. मतलब 2000 में से एक चांस किसी का भी हो सकता था कि निकल के आ जाए. राइट, तो यहाँ पे इक्वल चांस है नॉन चांस है. जब दूसरी स्लिप मैंने निकाली तो उसका चांस कितना हो गया,
उसका चांस हो गया 1/1999, क्योंकि मैंने एक को ऑलरेडी निकाल लिया है, वो मेरा सैंपल हो गया। इस तरह से मैं स्लिप्स निकालती जाऊंगी और जब तक मेरा जो सैंपल साइज है, रिक्वायर्ड सैंपल साइज है, वो नहीं आ जाता मेरे पास, तब तक मैं उनमें से स्लिप्स निकालती जाऊंगी। जैसे ही 100 सैंपल्स मेरे कलेक्ट हो गए, बाकियों को मैं रख दूंगी। अब इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है, क्योंकि मुझे एक पूरे पॉपुलेशन का फ्रेम चाहिए होता है। मतलब मुझे 2000 लोग हैं, क्योंकि ये कम पॉपुलेशन है, नॉन पॉपुलेशन है, तो 2000 में से मैं आराम से सिलेक्ट कर सकती हूँ। सो वो उतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, नॉट डिफाइंड पॉपुलेशन है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है और कंबर्जम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बायस्डनेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि किसी के भी सिलेक्शन के चांसेस इक्वल हैं, नॉन और इक्वल चांसेस हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग और अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग एक बहुत अच्छा सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। फिर हम आते हैं रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग में। रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग में जो पहला है वो है सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। अब सिस्टेमैटिक सैंपलिंग क्या होता है? सिस्टेमैटिक सैंपलिंग के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इसमें इन दिस सैंपलिंग द एंटायर पॉपुलेशन इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिजाइन। जो भी मेरा पॉपुलेशन है उसे मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में करूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ, किसी भी तरह से मैं उसे अरेंज कर देती हूँ, राइट? अब मान लीजिए एक एक एरिया है और वहां पे 1000 शॉप्स हैं ग्रोसरी की। अब मुझे उसमें से 1000 शॉप्स में से 50 शॉप्स का सैंपल चाहिए, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है ग्रोसरी पे ऑन एन एवरेज कैसे हो रहा है। तो मैं उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूँ। शॉप्स को ऐसे अरेंज कर सकती हूँ कि मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि मैं सबसे पहले वो शॉप्स जो छोटी शॉप्स हैं उनको अरेंज करती हूँ, फिर उससे थोड़ी जो मीडियम साइज की शॉप्स हैं, और फिर जो बड़ी शॉप्स हैं, या पहले बड़ी शॉप्स फिर मीडियम साइज और फिर जो है छोटी शॉप्स को अरेंज कर लेती हूँ। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैं अपने पूरे के पूरे पॉपुलेशन को अरेंज कर लेती हूँ। दूसरा स्टेप होता है आफ्टर अरेंजिंग, कैलकुलेट द सैंपल इंटरवल। मुझे सैंपल इंटरवल कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 1000 शॉप्स हैं, तो मैं 50 कैसे उठा लूँ? अगर मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग कर रही हूँ, एक सिस्टमैटिक ढंग से ही करूंगी ना, तो मैं सैंपल इंटरवल को कैलकुलेट करती हूँ। अब सैंपलिंग इंटरवल कैसे कैलकुलेट होता है? वो कैलकुलेट होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स और द साइज ऑफ सैंपल्स। मुझे कितना साइज चाहिए, यहाँ पे जो है 1000 डिवाइडेड बाय 50, तो मेरा जो है सैंपल साइज आ जाएगा, सॉरी सैंपलिंग इंटरवल आ जाएगा, राइट? सैंपलिंग इंटरवल आ जाएगा, तो मेरा सैंपलिंग इंटरवल कितना आ गया यहाँ पे, 1000 डिवाइडेड बाय 50 इज 20। अब ये सैंपलिंग इंटरवल क्या होता है, सैंपलिंग इंटरवल क्या होता है, इसे हमने डिनोट किया है के से। अब जैसे सैंपलिंग इंटरवल मेरा 20 आया, 1000 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 20, तो एक रैंडम नंबर सिलेक्ट कर लूंगी मैं 1 से लेके 20 के बीच में, राइट? 1 से 20 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ और उसे मैं कह देती हूँ ए, ठीक है? मान लीजिए मैंने 5 सिलेक्ट कर लिया, मतलब पांचवी दुकान सिलेक्ट कर ली जो मेरे पास, जो मैंने लिस्ट बना रखी है, उसमें से 1 से लेके 20 तक दुकानों में मैं कोई भी शॉप को सिलेक्ट कर सकती थी। उस शॉप को सिलेक्ट करने में मैंने फिफ्थ पे जो दुकान है, फिफ्थ पे जो शॉप है, उसे सिलेक्ट कर लिया, राइट? तो ये जो है इसे मैंने डिनोट कर दिया ए से। ये हो गया मेरा क्या, एक इंटरवल से मैंने पहला एलिमेंट निकाल लिया अपना। पहला एलिमेंट मेरा आ गया फिफ्थ शॉप, तो पहला एलिमेंट मैंने निकाल लिया उसमें से। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट मैं निकालूंगी वो कैसे निकालूंगी, नेक्स्ट एलिमेंट निकालूंगी जो मैंने फर्स्ट एलिमेंट निकाला है प्लस जो इंटरवल मेरे पास आया था उसे ऐड कर दूंगी। मतलब 5 जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है फिफ्थ शॉप प्लस 20 जो मैंने इंटरवल निकाला था, 5 + 20 = 25, तो मेरे पास जो दूसरी शॉप आ जाएगी वो 25th नंबर पे जो शॉप है वो आ जाएगी। अब थर्ड में कैसे निकालूंगी, थर्ड को मैं निकालूंगी A+2 के, मतलब
ए क्या था मेरा, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू 45, 5 प्लस 40 45, तो 45th नंबर वाली शॉप जो है वो आ जाएगी। देन ए प्लस 3K, ये मैं तब तक करती जाऊंगी जब तक कि जितना मुझे सैंपल साइज है, 50 मेरा सैंपल साइज है, जब तक कि मेरे पास 50 शॉप्स नहीं आ जाएंगी, राइट। तो ये है, इस तरह से हम सैंपलिंग करते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग में। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में जो फर्स्ट यूनिट सैंपल का हम सिलेक्ट करते हैं वो रैंडम सैंपलिंग होता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब वो हम रैंडम सैंपलिंग कर लेते हैं, लेकिन आगे वाले जो सैंपलिंग होते हैं, आगे वाली जो शॉप्स होती हैं, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफाइड फार्मूला है। जैसे फर्स्ट शॉप जो आई मेरे पास 5th नंबर की, 1 से लेकर 20 तक में सिंपल रैंडम सैंपलिंग, 1 से 20 तक की मैंने स्लिप्स डाल दी, उसमें से जो स्लिप मेरे पास आई, मान लीजिए 5th आई 6th आई, वो मैंने ले ली, 5th आई तो 5th को मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इट वॉज अ रैंडम सैंपलिंग। लेकिन उसके बाद जो है ए प्लस के, ए प्लस 2K, ए प्लस 3K, उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा जब मैं सबसिक्वेंट सैंपलिंग करूंगी, जब तक मेरा सैंपल कंप्लीट नहीं हो जाता है, राइट। ये जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है ना, ये बहुत कॉमन है, बहुत ईजी होती है और बहुत चीप भी होती है, इसमें बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। And it doesn't require a complete sampling frame to draw a systematic sampling. दूसरी तरह का जो sampling है, that is stratified random sampling. अब ये stratified random sampling क्या है? ये जो entire population है ना, इसे मैं divide कर देती हूँ stratas या groups में, जो mutually exclusive होते हैं और collectively exhaustive होते हैं, right? जो mutually exclusive होंगे, लेकिन collective एग्जॉस्टिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अगर एक एलिमेंट एक स्ट्रेटा से, एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो वो दूसरे ग्रुप से बिलोंग नहीं करेगा, राइट। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो किसी एक ग्रुप का ही मेंबर हो सकता है। और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि अगर मैं डिफरेंट स्ट्रेटास को एक साथ मिला देती हूँ, एक साथ रख देती हूँ, तो वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को कवर कर लेता है, वो एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है ये होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। जो पॉपुलेशन है वो इस तरह से उसके ग्रुप बनाए जाते हैं, इस तरह से उसके स्ट्रेटा बनाए जाते हैं कि जो विद इन द स्ट्रेटा है वो एलिमेंट्स होमोजीनियस होंगे, मतलब वो लगभग लगभग सेम होंगे, और जो आउटसाइड ग्रुप है स्ट्रेटा के वो हेट्रोजीनियस होंगे। मतलब एक ग्रुप के एलिमेंट्स सेम होंगे और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से वो डिफर करेंगे, आपस में तो वो एक जैसे होंगे लेकिन दूसरे ग्रुप से वो डिफर कर रहे होंगे। ये होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, राइट। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ऐसे हम देखते हैं। जो दूसरा तीसरी तरह की सैंपलिंग है वो है हमारी क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग में जो है एंटायर पॉपुलेशन है वो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से डिवाइड करते हैं हम क्लस्टर में कि विद इन द क्लस्टर जो एलिमेंट्स होंगे वो हेट्रोजीनियस होंगे, लेकिन बिटवीन द क्लस्टर्स एलिमेंट्स जो हैं वो होमोजीनियस होंगे। मान लीजिए एक ऑफिस है जो वेरियस, एक बिल्डिंग के वेरियस फ्लोर्स पे है। फर्स्ट फ्लोर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, थर्ड फ्लोर पे सेल्स डिपार्टमेंट है, फोर्थ फ्लोर पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें ये क्लस्टर हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, दूसरा हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्लस्टर, तीसरा हो गया सेल्स डिपार्टमेंट का क्लस्टर। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स भी आएंगे, एरिया मैनेजर्स भी होंगे,
मैनेजर्स होंगे, फिर उनके वीपीज होंगे, प्रेसिडेंट्स होंगे, जो भी उनकी पोजीशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद इन द क्लस्टर हेट्रोजेनिटी है, उनकी सैलरीज भी डिफरेंट करेंगी, उनके प्रोफाइल भी डिफर करेंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होगी वो एग्जीक्यूटिव की तो सैलरी नहीं होगी, जो प्रोफाइल मैनेजर का होगा वो एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल नहीं होगा। तो हमने क्लस्टर तो बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक क्लस्टर है, लेकिन वो आपस में जो उसके एलिमेंट्स है वो हेट्रोजीनियस है। इसी तरह से सेल्स डिपार्टमेंट में भी सेम होगा, राइट, या फिनेंस डिपार्टमेंट में भी सेम होगा। सेल्स डिपार्टमेंट में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, वीपी होगा सेल्स, ठीक है। वहां पे भी आपस में इन लोगों के प्रोफाइल भी फर्क है और सैलरीज में भी फर्क है। लेकिन जब हम दोनों क्लस्टर को, मार्केटिंग वाले क्लस्टर और सेल्स वाले क्लस्टर को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपस में वो होमोजीनियस है। वहां पे भी एग्जीक्यूटिव है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी, सेल्स डिपार्टमेंट में भी है, राइट। वीपीज दोनों के लिए पोजीशन, दोनों डिपार्टमेंट के लिए पोजीशन है, मैनेजर्स दोनों डिपार्टमेंट में है। तो वो आपस में क्लस्टर्स में होमोजेनिटी है, बिटवीन द क्लस्टर्स होमोजेनिटी है, बट विद इन द क्लस्टर हेट्रोजेनिटी है। ये सैंपलिंग यूजफुल होती है व्हेन पॉपुलेशन अंडर सर्वे इज वाइडली डिस्पर्स्ड। पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड है और सिंपल रैंडम सैंपलिंग इम्प्रैक्टिकल सी हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग इज मच लोअर देन द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो क्लस्टर सैंपलिंग है वो सबसे चीप सैंपलिंग होती है, पर यूनिट कॉस्ट जो है इसका कम आता है। पर इस क्लस्टर सैंपलिंग में एक प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो हेट्रोजेनिटी या होमोजेनिटी है विद इन द क्लस्टर और बिटवीन द क्लस्टर, हो सकता है वो वाला जो हमारा अजम्पशन है वो मीट नहीं करे। जरूरी नहीं है कि हेट्रोजेनिटी हो विद इन द क्लस्टर और होमोजेनिटी हो बिटवीन दी क्लस्टर। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि दोनों डिपार्टमेंट में पोजीशंस होंगी, जरूरी नहीं है ऐसा हो, इस अजम्पशन को हो सकता है मीट नहीं भी करें। तो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, राइट। सैंपलिंग डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैंपलिंग डिजाइन जो है दो तरह से किया जाता है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है, दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग में हमारे फर्दर हम डिवाइड करते हैं रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग को, कैसे करते हैं, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग के बाद आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड थर्ड इज क्लस्टर सैंपलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।